मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक साल पूरा। पीएम मोदी ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी ने सरकार के फैसलों को जनता का संकल्प बताया। पीएम ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुनिया ने देखी हमारी ताकत। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से लोग आजाद हुए। मेरी सरकार ने ओआरओपी जीएसटी जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए। कश्मीर से 370 हटने से भारत अखंडता के सिद्धांत पर आगे। इकतीस मई के बाद लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर लॉकडाउन पर चर्चा की। अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। लॉकडाउन 4.0 के बाद केंद्र अपने पास रखेगा सीमित अधिकार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन में 1 जून से सख्ती बरतने या राहत देने की छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को 30 सबसे ज्यादा प्रभावित म्यूनिसिपल इलाकों के कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखे। सरकार इंटरनेशनल उड़ानों, राजनीतिक जमावड़ों, मॉल और सिनेमा हॉल बंद रखने का अपना फैसला बरकरार रख सकती है। स्कूल खोलने और मेट्रो रेल सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। धार्मिक स्थल खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों पर ही छोड़ा जा सकता है। लॉकडाउन का देश के औद्योगिक उत्पादन पर बड़ा असर। 8 कोर सेक्टर का उत्पादन अप्रैल में 38.1% गिरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। कोरोना संक्रमण से परेशान अमेरिका ने WHO से नाता तोड़ा। ट्रंप ने कहा, $40 मिलियन प्रतिवर्ष का भुगतान करने के बावजूद WHO पर चीन का नियंत्रण है, जबकि अमेरिका हर साल $450 मिलियन का भुगतान करता है। WHO कोरोना को रोकने में शुरुआती स्तर पर नाकाम रहा है, अब सुधार की जरूरत है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संभावना के बीच पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया। राज्य को कई तरह की राहत देने का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल में 8 जून से 100% कर हाईवे पर निशाने पर थे। जम्मू कश्मीर में IED एक्सपर्ट आतंकियों के सक्रिय होने की भी खबर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी साजिश में शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान SSG ने अफगानिस्तान में 20 तालिबानी आतंकवादियों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान कर रहा है आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन का बयान, देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर, अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल स्तर पर पहुंचने में मिल सकती है सफलता। डॉक्टर राघवन के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया हैं। भारत में चारों प्रक्रिया का इस्तेमाल कर वैक्सीन बनाने का काम जारी है। साल के अंत तक बना लिया जाएगा वैक्सीन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,58,000 के पार। अब तक 4,531 लोगों की मौत, जबकि 67,692 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में कोरोना के 6,566 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद 13 बड़े शहर केंद्र सरकार के लिए चुनौती। ये शहर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, कोलकाता और हैदराबाद। 13 शहरों में कोरोना के 70% मामले। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में कुल 1,024 नए केस सामने आए। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 के पार हुई। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 18,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 56,948 तक पहुंच चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,897 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,195 हुई। राज्य में कोरोना से 938 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7500 से ज्यादा लोग वायरस को मात दे चुके हैं। तमिलनाडु में 9,909 लोग कोरोना से ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,991 लोग ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,991 हुआ। राज्य में अब तक करीब 182 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 173 लोगों की मौत। 4,457 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,700 के पार। दुनिया में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 24,13,000 से ज्यादा हुई। दुनिया में कुल 58,03,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 3,59,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। अल्वी ने कहा, गांधी जी की हत्या में था सावरकर का रोल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, अगर सावरकर को दिया जाएगा भारत रत्न तो अगले साल नाथुराम गोडसे को भारत रत्न देने की होगी बात। बेंगलुरु में फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पर रखे जाने का कांग्रेस ने किया विरोध। सावरकर की जयंती पर होना था उद्घाटन, कोरोना संकट की वजह से बिना उद्घाटन ही खोला गया फ्लाईओवर। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, मजदूरों से ना लिया जाए बस ट्रेनों का किराया। राज्य सरकारें भरे किराया, करें घर पहुंचाने की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकारें उपलब्ध करवाएंगी भोजन। अब तक केंद्र 3,700 ट्रेनें और 50,00,000 मजदूरों को उनके घर भेज चुकी है। दिल्ली दंगों में सरकारी वकील की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद। अब अलग से पब्लिक प्रोसिक्यूटर चुनेंगे एलजी। दिल्ली सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लिस्ट से अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर चुनने का फैसला। हवाओं का रुख बदलने से दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना। कई जगहों पर हुई बारिश। मौसम विभाग ने कहा, 30 मई तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। कल भी हुई थी हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को हो सकती है देश में मॉनसून की पहली बारिश। दक्षिण और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। मॉनसून आगे बढ़ाने में आएगी तेजी। मुंबई में 2 से 4 जून के बीच प्री मॉनसून और 10 और 11 जून से हो सकती है मॉनसून की बारिश। मौसम विभाग ने पहले 6 जून को मॉनसून आने की जताई थी संभावना। अब सिर्फ 10 मिनट में ई पैन आपके हाथ में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की नई सुविधा की शुरुआत। बिना कोई फॉर्म भरे आधार के जरिए ही बनेगा पैन कार्ड। ई पैन के लिए नहीं लगेगा कोई चार्ज। देश में पैन कार्ड धारकों की संख्या 50,52,00,000। नई सुविधा से करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने रिजर्वेशन की अवधि बढ़ाकर 30 से 120 दिन की, यानी अब 4 महीने पहले ही टिकट बुक करवा सकेंगे। रिजर्वेशन का नियम 30 स्पेशल राजधानी टाइप ट्रेनों और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर होगा लागू। सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी होगी इजाजत। हरियाणा में बिना मास्क पहनने घर से निकलने पर लगेगा जुर्माना। हरियाणा सरकार ने की घोषणा। मंत्री अनिल विज ने कहा, बिना मास्क के निकलने पर और पब्लिक प्लेस पर थूकने पर अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जूझ रही पुलिस को गाना गाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं एक कांस्टेबल। ड्यूटी के बाद सिपाही रजत राठौर अपने बैरक में जाकर बाकी जवानों को गाना सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस वालों ने डॉक्टरों को बांटे गुलाब के फूल। कहा कि हम सब कोरोना से लड़ाई में एक हैं और हम इसे हरा कर रहेंगे। जम्मू के राजौरी जिले में एक घोड़े और उसके घुड़सवार को क्वारंटीन किए जाने का दिलचस्प मामला सामने आया। कश्मीर घाटी से घोड़े के साथ पहुंचा था घुड़सवार। प्रदेश में किसी पशु को क्वारंटीन किए जाने का यह पहला मामला है। कोरोना महामारी ने चेरी फल के कारोबार को चौपट किया। इस साल कश्मीर में पैदा हुई 12,000 मीट्रिक टन चेरी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं, किसान परेशान। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,01,000 के पार हुई। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,99,000 लोग ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,00,000 से ज्यादा हुई। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,166 लोग हो चुके हैं ठीक। देश में 2,70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज। ईरान में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 1,43,000 के पार पहुंची। 1,12,000 से ज्यादा हो चुके हैं लोग ठीक। अब तक 7,627 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई।
रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,79,000 के पार पहुंच गया। 1,50,000 लोग ठीक हुए। अब तक 4,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना से 1,50,000 लोग ठीक हुए। अब तक 33,000 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,31,000 के पार पहुंची। अफगानिस्तान में कोरोना संक्रमण के 13,000 से ज्यादा मामले। देश में कोरोना से 235 लोगों की अब तक मौत हुई। 1,209 लोग ठीक हुए। हांगकांग में आजादी की मांग को चलने के लिए चीन ने कानून पास किया। चीनी संसद ने विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर मोहर लगाई। लोगों के अधिकार कम हो जाएंगे।